Recording in progress. सर प्लीज सर प्लीज मिलेगा मिलेगा क्या बोल रहे हो बेटा सर वो रिकॉर्डिंग तो परमिशन दे दिया ना सर यार यश अच्छा यश को B1, B2, B3 के तीन बल्ब B1 एंड B2 हैव पावर रेटिंग ऑफ 40 वॉट ईच सॉरी B1 एंड B3 And B2 has power rating of 80 volt. The three bulbs are connected with each other as shown in figure. And then connected across main circuit. Arrange power outputs obtained from three bulbs in ascending order. क्या बोल रहे हो मेन सप्लाई ऐसे इधर कनेक्ट है ना मतलब मेन सप्लाई वही है जिस सप्लाई पर ये 40 वॉट और 80 वॉट देते उसके अक्रॉस अब इसको इंडिविजुअल बल्ब को लगाने की जगह देखो अगर ये मेन सप्लाई है कुछ तो अगर इन बल्ब्स को मैं उस सप्लाई के अक्रॉस ऐसे अलग अलग लगा देता तो ये उतना ही पावर आउटपुट देते जो इनका रेटेड है ना ये मेन सप्लाई है बल्ब वन को लगा दिया इसी के अक्रॉस बल्ब टू को लगा दिया इसी के अक्रॉस बल्ब थ्री को लगा दिया तो जो भी इनका ये रेटेड पावर है वही आउटपुट देते हैं मैंने ऐसे लगा दिया तो अब क्या होगा तो देखो इसका तरीका क्या है कि अब देखो ये वाला जो बल्ब है
ये वाला जो बल्ब है B3, ये क्या है? ये तो इसकी रेटेड पावर 40 वॉट है और ये तो डायरेक्टली मेंस के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, तो ये तो 40 वॉट का 40 वॉट ही आउटपुट दे देगा, दे देगा कि नहीं? यस सर, यस सर। अब बात अपन करें B1, B1 की रेटेड पावर 40 वॉट थी ना, B1 की रेटेड पावर 40 वॉट है, तो B1 जो है वो 40 वॉट से कम पावर आउटपुट दे देगा, क्योंकि B1 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, अब वो पूरा थोड़ी आ रहा है, इस पूरे में से तो कुछ ड्रॉप B2 के अक्रॉस भी आ जाएगा, तो B1 के अक्रॉस तो उतना ड्रॉप नहीं आएगा जितना B3 के अक्रॉस आएगा, और B1 और B3 वैसे आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं, लेकिन क्योंकि B1 के अक्रॉस पोटेंशियल कम आ रहा है इन कंपैरिजन टू B3, तो B1 का पावर आउटपुट कम आएगा, किससे? B3 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, B1 का B3 से तो कम होगा, तो P1 इज डेफिनेटली लेस देन, है ना? अब P1 और P2 को कंपेयर करो, देखो B1 जो है वो 40 वॉट वाला है और B2 जो है वो 80 वॉट वाला, B1 40 वॉट वाला, B2 80 वॉट वाला, इन दोनों का B1 और B2 के रेजिस्टेंस की बात अपन करें तो B1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, B2 का रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 2, क्योंकि रेटेड पावर ऑफ 1 इज लेस देन रेटेड पावर ऑफ 2। अब अगर इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, करंट तो इन दोनों में सेम फ्लो करेगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज नाउ, अगर करंट फ्लो सेम करेगा तो अब आई स्क्वायर आर से कंपेयर करना आसान हो जाएगा इन दोनों की रेट पावर आउटपुट को, तो करंट सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा पावर आउटपुट देगा, मतलब P1 जो होगा वो P2 से ज्यादा होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, तो अपने पास ये रिलेशन फाइनली आ जाएगा। क्या ये समझ में आता है बच्चों? सर आपने रेजिस्टेंस फाइंड किया ना, तो वो अज्यूम कैसे किया हुआ? अज्यूम कैसे किया हुआ? रेजिस्टेंस के बारे में क्या बताया था मैंने, रेटेड पावर से कैसे रिलेटेड होता है रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर होता है कि नहीं होता है? रेटेड पावर किसका ज्यादा है, B1 का ज्यादा है या B2 का ज्यादा है? रेटेड पावर B2 का ज्यादा है, B1 का तो 40 वॉट है, तो जिसका रेटेड पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो R2 इज लेस देन R1, और अब हमने इनको कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो इनमें से फ्लो करने लग गया करंट सेम, तो फिर क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा पावर आउटपुट देगा, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, 40 का ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो इसकी पावर आउटपुट B2 से ज्यादा होगी, P1 ग्रेटर देन P2, ये था। क्यों भाई? ये दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, तो हो पाएगा ऐसे आसानी, आसान नहीं है ये, तो जिसको रेशो प्रोपोर्शनैलिटी आता है वो तो फटाफट कर देता है, बाकी दिक्कत तो होती है। देखो पता है मैं प्रोपोर्शनैलिटी क्यों प्रेफर करता हूँ, इसका अगर प्रॉपर सॉल्यूशन अगर अपन करने लगेंगे ना बहुत लेंथी हो जाएगा, देखो कैसे समझना तुम, प्रॉपर सॉल्यूशन इसका क्या है, स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं। ये बल्ब है B1, ये है B2, ये है B3, ठीक है,
रेटेड पावर क्या क्या है? बल्ब बी वन बी टू और रेटेड पावर कितनी कितनी? बी वन की है 40 वॉट, बी टू की है 80 वॉट, बी थ्री की है 40, है ना? ऑब्वियसली रेटेड पावर है तो 220 वोल्ट पे ही बात हुई होगी, तो इनके रेजिस्टेंसेस पता लगा लो। कैसे पता लगाएंगे? रेजिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे? रेटेड पावर को आप लिख लो क्या 220 का स्क्वायर बाय आर, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 220 का स्क्वायर बाय रेटेड पावर। तो बी वन का रेजिस्टेंस हो जाएगा 220 का स्क्वायर बाय 40, इसका हो जाएगा 220 का स्क्वायर बाय 80, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 220 का स्क्वायर बाय 40, है ना? अब एक्चुअल पावर आउटपुट की बात करते हैं, है ना? तो एक्चुअल पावर आउटपुट इन गिवन कॉन्फ़िगरेशन, गिवन कॉन्फ़िगरेशन में जब तुम पावर आउटपुट की बात करोगे तो वोल्टेज अक्रॉस बी थ्री निकालो पहले। क्या ये 220 वोल्ट ही है? यस सर, यस सर। वोल्टेज अक्रॉस बी थ्री जो है वो 220 वोल्ट ही है ना, क्योंकि यहाँ पर ही मेन सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो इसका मतलब पावर आउटपुट ऑफ बी थ्री तो आपके पास 200, मतलब जो भी उसका रेटेड था वही आ जाएगा, विल बी इक्वल टू रेटेड पावर जो कि आ जाएगा कितना 40, ठीक है? ये बात समझ में आती है? अब यस सर देखो बी वन और बी टू के रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करो। बी वन का आ रहा है 220 स्क्वायर बाय 40, बी टू का आ रहा है 220 स्क्वायर बाय 80। मतलब अगर इसके रेजिस्टेंस को मैं आर बोलता हूँ, बी टू के रेजिस्टेंस को, तो बी वन का रेजिस्टेंस 2R हो गया कि नहीं हो गया? यस सर है ना? अब अगर ऐसा है तो क्या होगा, जो ये 220 वोल्ट का ड्रॉप इन दोनों के अक्रॉस मिलाकर के आएगा वो 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा, तो वोल्टेज अक्रॉस बी वन कितना आएगा? वोल्टेज अक्रॉस बी वन ये आ जाएगा 2/3 × 220 और वोल्टेज अक्रॉस बी टू कितना आ जाएगा 1/3 × 220। इसका मतलब पावर आउटपुट ऑफ बी वन कितना आ जाएगा? पावर आउटपुट ऑफ बी वन आ जाएगा, देखो 220 वोल्ट था तो 40 वॉट की पावर आउटपुट देता था, अब 220 इंटू 2/3 रह गया, तो जितने फैक्टर से वोल्टेज मल्टीप्लाई हुआ है उसके स्क्वायर वाले फैक्टर से पावर आउटपुट रह जाएगी, तो पावर आउटपुट इसकी रह जाएगी 4/9 मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी रेटेड पावर थी, दैट इज 40, मतलब 160/9। और पावर आउटपुट ऑफ बी टू की बात करोगे तो जो उसका वोल्टेज था उसकी 1/9 रह जाएगी, तो 1/9 ऑफ 8 यानी 80/9 वॉट इसका पावर आउटपुट हो जाएगा।
अब इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है P3 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है इसका P2, P1, और सबसे कम आ रहा है P3 greater than P1 greater than P2। यही आया था हमारा P3 greater than P1 greater than P2, सबसे कम P2, फिर P1, फिर P2। बोलो बोलो, समझ में आई कि नहीं आई बात? नहीं, लेकिन अपने को इतना पूरा प्रपंच करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, इतना प्रपंच करने की जरूरत नहीं है। आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, कंपेरेटिव स्टडी करनी है। कंपेरेटिव स्टडी का मतलब किसका पावर ज्यादा होगा, किसका पावर कम होगा, है ना। सीधी सी बात है, ये तो अपने रेटेड वोल्टेज पे लगा हुआ है, जितना रेटेड वोल्टेज है उतना एक्चुअल में आ भी रहा है इसके अक्रॉस, तो इसका पावर आउटपुट तो अपने रेटेड पावर आउटपुट के बराबर ही होगा, यानी 40 वॉट है, 40 वॉट हो जाएगा, ठीक है। अब B1 और B3 दोनों एक जैसे थे, B1 के अक्रॉस लेकिन वोल्टेज B3 से कम हो गया, तो B1 का पावर आउटपुट B3 से तो कम ही होना चाहिए, तो P1 लेस देन P3, यहां तक पहुंच गए अपन। अब इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करोगे तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है क्योंकि इसकी रेटेड पावर कम है, और अब ये कनेक्टेड है सीरीज में, तो दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी पावर आउटपुट भी ज्यादा होगी, तो P1 P2 से भी ज्यादा हो, तो P2 सबसे कम हो गया, P1 को P2 से भी ज्यादा कर दिया, P2 P1 P3 ऐसा। समझ में आई बात बच्चों? तो ये इस तरह से बल्ब वाले क्वेश्चन किए जाते हैं बोला। एक और सवाल लूं क्या ऐसा, या अब अगले टॉपिक पे चलो? चलो अब नई चीज पढ़ते हैं, पढ़ लिया। सर सर हाँ बोलो सर, लास्ट पे, सर लास्ट पे। देखो क्या है, अब हम क्या है, देखो अपन ने कुछ सिमेट्रिकल सर्किट्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना सीखा था, उसमें एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करते हैं ऑफ अ क्यूब, है ना। जैसे मान लो आपको एक क्यूब दिया,
all sides of the cube. Represent wire of resistance R. Find the equivalent resistance of the cube across D and G डी और जी के अक्रॉस पता करना है, यानी बॉडी डायगोनल के अक्रॉस पता करना है। पहले ये पता कर या मान लो कि बी और डी के अक्रॉस पता कर, या तीसरा पता करना है सी एंड बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल और एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो कैसे पता करेंगे बच्चों, देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो कि है अक्रॉस बॉडी डायगोनल डी एंड जी, तो मैं एक बार फिर से बना देता हूं इसको। और जी के अब देखो बेटे, यहाँ से करंट एंटर करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना। क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो तीन रास्ते इस करंट को मिल रहे हैं, सी पे जाने का, ए पे जाने का और ई पे जाने का, ये एक जैसे हैं क्योंकि बॉडी डायगोनल के अक्रॉस देख रहे हैं। हाँ बच्चों आवाज आ रही है ना? यस सर, बिकॉज वी आर व्यूइंग इट अक्रॉस द बॉडी डायगोनल, तो क्या है तीनों रास्ते एक जैसे हैं बच्चों। करंट इधर से जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए, वाई? क्योंकि देखो सी से जाने के बाद ऐसे जा करके जी से बाहर निकल सकते हैं, तो एक दो रेजिस्टर मिल के बाहर निकल, या फिर ऐसे जा करके ऐसे निकल सकता है। ए से जाने के बाद भी यही दो सीन है, यहाँ से ऐसे जा सकता है या ऐसे जा कर ऐसे जा, यहाँ से भी ऐसे जा करके ऐसे जा सकता है ना।
तो हर जगह से एक ही जैसा पाथ बन रहा है ना आगे जाकर। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है, विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन, सिर्फ सिमेट्री के बेसिस पर अपन ये बात बोलेंगे। अब सिमेट्री कैसे देखनी है भाई? आप ऐसा कर सकते हो कि इनपुट और आउटपुट वाले पॉइंट्स से के रेस्पेक्ट में सिमिलरली लोकेटेड होने चाहिए। जैसे ये जो सी पॉइंट है, ये इनपुट वाले से जिस जिस तरह से सिचुएटेड है, ए भी इनपुट वाले से उसी उतना ही दूरी पर है, ई भी इनपुट वाले से उतना ही दूरी पर है। तो ई ए और सी इनपुट के रेस्पेक्ट में एक जैसे हैं। अच्छा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आउटपुट के रेस्पेक्ट में भी एक जैसे होने चाहिए। तो आउटपुट के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो सी तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, है ना। ए तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, और ई तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ऐसे ऐसे या ऐसे। तो जैसा आउटपुट के रेस्पेक्ट में कौन सा पॉइंट है ई, वैसा ही है ए और वैसा ही है सी, है या नहीं? आउटपुट से आप सी को ज्वाइन करो, आउटपुट से आप ए को ज्वाइन करो, आउटपुट से ई को ज्वाइन करो, तो क्या वो स्क्वायर 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 ही तो मिल रहे हैं ना तीनों के से? क्या बच्चों? यस सर, यस सर। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, ई ए सी एक जैसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आई बाई थ्री आई बाई थ्री आई बाई थ्री करंट डिवाइड, अगर ये, और हम क्या कर सकते हैं, ई ए सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा ऐसा बोल सकता हूँ, और उसी लॉजिक से बी एच और एफ पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये आउटपुट के रेस्पेक्ट में इतनी 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 दूरी पर है और इनपुट के रेस्पेक्ट में भी एक जैसे लोकेटेड हैं। तो आप इस सर्किट को पता है कैसे बना सकते हो, डी पॉइंट, डी टर्मिनल और जी टर्मिनल को तो दूर दूर बना दो और सी ए ई को एक जगह पर बना दो, सी ए ई को एक जगह पर बना, और बी एच एफ को एक जगह पर बना दो, सी ए ई को एक जगह बना दो, बी एच एफ को एक जगह बना दो। अब डी से सी एक रजिस्टर जा रहा है, डी से ए एक रजिस्टर जा रहा है और डी से ई एक रजिस्टर जा रहा है। फिर जी के रेस्पेक्ट में देखो तो जी से एच, जी से एफ, जी से बी, तो जी से एच, जी से बी और जी से एफ, ये इस तरह से। अब देखो सी ए ई और बी एच एफ में कितने रजिस्टर कनेक्टेड है ना, देखो सी पॉइंट से जो डी की तरफ रजिस्टर जा रहा था वो मैं बना चुका हूँ, सी से बी वाला एक बनाना है मुझे और सी से एच वाला बनाना है, तो सी से बी और सी से एच दोनों यहीं पे जाके मिलेंगे, तो सी से बी एक बना दिए और सी से एच एक, सी से बी और सी से एच। फिर ए पे आते हैं, ए ये रहा,
ए से डी वाला बना चुका हूं, ए से एफ बनाना है, ए से बी बनाना, तो ए यहाँ है, एफ यहाँ है, बी यहाँ, ए से एफ, ए से बी, तो ए से एफ और ए से बी, ये ऐसा है, ए से एफ और ए से और E से H और E से F भी जा रहा, तो E से H और E से F ऐसा, तो ये हो जाएगा R 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 R। देखो टोटल कितने साइड्स होती हैं ट्यूब की, 12 साइड्स होती हैं, चार ऊपर चार नीचे, चार साइड की, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, देखो 12 रजिस्टर आ गए हैं क्या, यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन, छह और छह, ये 12 रजिस्टर आ गए, तो ये हो गया है R by 3, ये हो गया है R by 6 और ये हो गया है R by 3. तो R equivalent कितना हो जाएगा, R by 3 plus R by 3 plus R by 6, तो ये 6 LCM हो गया, 2R plus 2R plus R, यानी 5R by 6 equivalent resistance आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? इससे फिर उसके बाद अगला हमें पता लगाना था D और B के अक्रॉस, D और B मतलब फेस डायगोनल वाले पॉइंट्स है ना, तो देखो इनके अक्रॉस पता लगाते हैं, B और D के। अब देखो बच्चों, यहां से करंट आया, इधर से गया, अब करंट के पास तीन रास्ते हैं, D से एंटर करने के बाद C चला जाए, A चला जाए, E चला जाए, कौन से रास्ते एक जैसा लग रहा है तुमको, क्या तीनों एक जैसे हैं क्या? नो सर। क्या ए और सी एक जैसे हैं और ई अलग है? यस सर। ए और सी एक जैसे हैं और ई अलग है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां से एक्स करंट जाएगा, यहां से एक्स करंट जाएगा और यहां से आई माइनस टू एक्स करंट। अच्छा, नाउ लुक एट द सर्किट फ्रॉम द आउटपुट साइड। आउटपुट साइड से जब तुम इसको देखोगे तो क्या होगा, जिस प्रकार से करंट एंटर करते समय डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी तरह से बाहर आते समय
इंडिविजुअल वायर से रिकलेक्ट होकर के जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से एक्स, यहां से एक्स और इधर से आई माइनस टू एक्स करंट है। ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों, इनपुट आउटपुट सिमेट्रिक है ना। अगर ऐसा हो गया कि यहां से एक्स करंट आए और यहां एक्स करंट चला गया, तो इसका मतलब ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर, इसमें जाने के लिए कोई करंट नहीं बचा। सिमिलरली यहां से एक्स आया, यहां एक्स चला गया, तो इस वाले वायर में जाने के लिए भी कोई करंट नहीं बचा। तो हम ए एफ और सी एच को हटा सकते, वी कैन सिंपली रिमूव ए एफ एंड सी एच। तो मेरा ये सर्किट कैसा बन जाएगा देखो, यहां से तो कनेक्टेड है, यहां से भी कनेक्टेड, और मैंने इस वाले को हटा दिया है और इधर वाले को। तो अब अगर हमने ये सब हटा दिया तो क्या होगा बेटे, यहाँ से जो करंट आया वो इधर जा ही रहा था ऑलरेडी, तो ये दोनों हो गए सीरीज में, नीचे वाले भी दोनों हो गए सीरीज में, तो आर 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 और आर ये मिलकर के हो गया, आर और आर मिलकर के हो गया टू आर, ये नीचे वाला आर और आर मिलकर के भी हो गया टू आर, और टू आर और टू आर मिलकर के हो गया कितना आर है ना। तो क्या हो गया, डी से लेकर के बी तक जो नीचे वाला प्लेन है उसमें आप सीधे एक बना सकते हो, कितना आर। उसमें कौन कौन से आ गए हमारे, आर 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 आर, ये चारों आर, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, सीरीज और दो सीरीज के पैरेलल में। तो फिर उसके बाद देखो, ये दोनों सीरीज में हैं तो आर और आर मिलकर के टू आर हो गए, ये दोनों भी सीरीज में तो आर और आर मिलकर के टू आर हो गए, टू आर और टू आर मिलकर के हो गया आर, तो ये हो गया आर। फिर इधर आ गया आर और ये वाला भी हो गया आर आर आर, ये सीरीज में, तो R और 3R पैरेलल में हो गए, तो R इक्विवेलेंट हो गया R इंटू 3R अपॉन R प्लस 3, यानी कि 3R बाय 4, ये R इक्विवेलेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर, यस सर। एक बार हम इस वाली स्टेज पे पहुंच गए, उसके बाद तो अपने आप दिख ही रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज आर और आर टू आर, आर और आर टू आर, ये पूरा टू आर, ये पूरा टू आर आपस में पैरेलल में, तो टू आर और टू आर को इस पूरे को हटा करके इधर आर लगा दिए, फिर ये आर और आर सीरीज टू आर, ये आर और आर सीरीज टू आर, टू आर और टू आर पैरेलल में, तो उनको हटा करके आर लगा दिया, तो आर 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 और ये वाला भी है आर, तो आर 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 और ये वाला भी है आर, तो थ्री आर और आर अपने पैरेलल में हो गए, तो बेसिकली डी और बी के अक्रॉस ही तो पता लगाने का। ये बात समझ में आती है भी? यस यस। तो ये इस तरह से सिमेट्री सर्किट सॉल्व किए जाते हैं, है ना।
अब वो जो एडजेसेंट पॉइंट सी और डी के अक्रॉस पता लगाना है ना, वो तुम लोग को ट्राई करना, ठीक है? ट्राई करना घर पे एक बार, फिर नहीं आता है तो अपन अगली क्लास में देख ही लेंगे। सर इसमें वो स्क्वायर रेक्टेंगल लेना, रेक्टेंगल लेना, एडिशन एडिशन से हुआ, से हुआ क्या हुआ बेटा? सर जो नीचे डायग्राम बना, डायग्राम बना ले, उसमें अपने इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिलेशन कैसे काउंट किया, काउंट किया हो बताओ ना, ये वाले में। हां हां, इन तीनों में से सेम करंट जा रहा है ना, तो सीरीज में हो गए, तो आर 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 तीनों को ऐड कर दिया, तो इन तीनों का मतलब एक से रिप्लेस कर दिया, थ्री आर हो गया, पर थ्री आर और आर पैरेलल में है। अब देखो एक और क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें होती है, जिसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस वाले सर्किट दिए जाते हैं। देखो किस तरह से रेजिस्टेंसेस सारे आर, और हमें क्या करना है, पूछा हुआ है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऑफ अबाव सर्किट between terminals A and B. है ना? तो देखो इसको किस लॉजिक से सॉल्व किया जाता है, कि हम कहते हैं कि देखो भाई बात क्या है, आपको ए और बी के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट पूरे का पता लगाना है। मान लेते हैं कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन नेटवर्क अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी हो। Is equal to x across a and b is equal to x, है ना? तो क्या होगा अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स ले लूं, ये दोनों, है ना? इन पॉइंट्स के बियॉन्ड देखो सर्किट में, मान लो इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम सी और डी, ठीक है? इस पॉइंट को नाम देता हूं सी एंड डी। तो सी एंड डी के बियॉन्ड अगर मैं सर्किट को देता हूं, तो क्या एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा ए और बी के बियॉन्ड था? भाई क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टर्स है ना, यहां से देख रहे थे तो आर 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 फिर आर 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 फिर आर आर आर, ऐसे 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 नेटवर्क चलते चले जा रहे थे। सी और डी के पीछे इधर देखोगे तो फिर से वही होगा आर 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 आर, वापस से ड्रॉ कर दोगे तो, क्योंकि और इनफाइनाइट रेजिस्टर्स हैं तो कोई अंतर पता भी नहीं चलेगा। ये तीन रेजिस्टर कम हो गए तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर इनफाइनाइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं
के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस सी एंड डी will also be equal to x. कैसा हो सकता है? बोलो. अच्छा. यस सर. यस सर. तो बेसिकली ये सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा? सर्किट बन जाएगा, ये ए और बी टर्मिनल्स हैं, तो आर आर ये इन तीनों रेजिस्टेंसेस को तो एज इट इज लगा दिया, और ये जो सी और डी पॉइंट्स थे इनके पीछे का जितना भी रेजिस्टेंस था पूरा नेटवर्क, इसकी जगह मैंने लगा दिया क्या एक्स. नमस्कार. अरे एक्स लगा देंगे, है ना? तो क्या होगा सर? अब देखो क्या होगा कि ये दोनों आर एक्स इस तरह से हो गए. अच्छा, अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं ए और बी के अक्रॉस, तो वो फिर से एक्स ही आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? यस सर. वो फिर से एक्स आ जाना चाहिए. ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स. तो ये कैसा बन गया? आर आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, और ये हो गया आर आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, और ये हो गया आर. अब इस पूरे का इक्विवेलेंट फिर से एक्स आ जाना चाहिए, मतलब कि टू आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, 2R plus RX upon R plus X, ये फिर से बराबर आ जाना चाहिए किसके? X. तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी. क्या इक्वेशन बन जाएगी? RX upon R plus X ये इक्वल टू हो जाएगा X minus 2R. देखो आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स को क्या लिख लिया? एक्स माइनस टू आर. तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. यस सर. यस सर. है ना? देखो करो दिखा क्या आंसर आता है इसका. सर आर इन टू आर इन टू वन प्लस, तो ये आ जाएगा आर इन टू एक्स इज इक्वल टू आर प्लस एक्स इन टू एक्स माइनस टू आर. आर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो आर एक्स माइनस टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू आर एक्स, यानी कि ये आर एक्स से ये आर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू आर एक्स माइनस टू आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू माइनस बी. सर माइनस टू आर एक्स, माइनस टू आर एक्स होगा ना? हाँ माइनस टू. हाँ सर माइनस टू.
तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए डिवाइडेड बाय टू ए। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, टू आर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर आर स्क्वायर प्लस एट आर स्क्वायर यानी 12R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ट्वेल्व आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टू रूट थ्री आर टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अब R माइनस रूट थ्री आर तो हो नहीं सकता है, x की दो वैल्यू आ रही है, R माइनस रूट थ्री आर या आर प्लस रूट थ्री। अब ये तो नेगेटिव आंसर है, इसको तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन इंटू ये आंसर हो जाएगा। यानी आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन इंटू। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? यस यस। और देखो ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सर एक मिनट, इसके ऊपर और इसके ऊपर और दिखाएंगे। Done sir, done sir. और इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, है ना, सिमेट्रिकल सरफेस पर वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस।
हाँ बताओ, ट्राई कर सकते हो इसको? यस यस सर, करो क्या आंसर आता है। सर टू आ तू आ रही आ गया क्या तुम्हारा? टू आर तो नहीं आना चाहिए। देखता हूँ क्या मैं ये दो पॉइंट्स को अगर मार्क कर लूँ सी डी, तो उनके अक्रॉस भी रेजिस्टेंस वही होगा जो ए और बी के अक्रॉस है। तो कैन आई रीड्रॉ दिस सर्किट लाइक दिस? मान लो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across A and B is equal to X. That means equivalent resistance of the network to the right of C and D is also equal to X. तो इसको आप ऐसे बना सकते हो R टू R और बाकी C और D के बीच में जो है उसको मैं लिख सकता हूँ X, और ए और बी के बीच में जो आया है अब वो फिर से एक्स आ जाएगा। तो टू आर एक्स अपॉन टू आर प्लस एक्स में आर ऐड कर दें तो ये फिर से एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब टू आर एक्स अपॉन टू आर प्लस एक्स इज इक्वल टू x माइनस आर टू आर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस आर इंटू एक्स प्लस टू आर। तो यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? टू आर एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस टू आर एक्स माइनस आर एक्स माइनस टू आर स्क्वायर। तो टू आर एक्स से टू आर एक्स कैंसिल हो जाता है,
एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस टू आर स्क्वायर जीरो, तो ये तो फैक्टराइज हो रहा है, अरे तुम्हारा आंसर सही लग रहा है। सही है आंसर तुम्हारा, एक्स माइनस टू आर टू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, यानी एक्स बराबर आ गया किसके टू आर, यही आंसर। किस किस का आ गया था भाई ये, कितने लोगों का आ पाया था सही आंसर, ये किसने बताया था, लक्ष्य ने बताया था क्या भाई? सर पीयूष, सर पीयूष, पीयूष ने बताया, वेरी गुड। हाँ भाई यश तुम्हारा आ पाया था क्या? ये नोट कर लिया भाई सबने? सर सिक्स टेंथ से हम लोग का मैथ, टेंथ से हम लोग का मैथ का लेक्चर है। अच्छा अच्छा एक मिनट, तो देखो मैं एक सवाल तुमको लिखाता हूँ, है ना, तुम लोग ट्राई कर सकते हो घर पे, क्या है पूरा ऐसा लैडर बना हुआ, ऐसा इन्फिनिटी तक ऊपर और नीचे, ऊपर भी जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, नीचे भी जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो हमें क्या पता करना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ये पता कर, ठीक है, सारे रेजिस्टेंसेस आर, ऑल रेजिस्टेंस आर, समझ गया ना कैसा सर्किट है? यस सर, यस सर, ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, है ना? यस, यस। सर सर क्यूब वाले में एडजेसेंट वाले का आंसर क्या है? मेरे ख्याल से 7r/12 होना चाहिए।
सेवन आर बाई सर. थैंक यू. अच्छा वो वैसे